नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 90 की टॉप एक्ट्रेस रही जूही चावला और माधुरी दीक्षित साल 2014 की फिल्म गुलाब गैंग में साथ दिखी थी। एक इंटरव्यू में जूही ने माधुरी के साथ पहले कभी काम न करने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक बार माधुरी के साथ फिल्म दिल तो पागल है में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उस समय मैं सेकेंड लीड नहीं करना चाहती थी। उस समय मेरे दिमाग में बस यही आया था, हम कई बार बचकाने फैसले ले लेते हैं। मैंने राजा हिंदुस्तानी और जुदाई भी ठुकराई थी। ये फिल्में आगे जाकर ब्लॉकबस्टर बनी। मैं ही करिश्मा कपूर के स्टारडम का कारण हूँ। उसी इंटरव्यू में जूही चावला से पूछा गया था कि क्या माधुरी उनकी कॉम्पिटिटर थी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, सिर्फ माधुरी ही नहीं, करिश्मा कपूर, मनीषा कोइराला और रवीना टंडन भी मेरी कॉम्पिटिटर थी। हम सिर्फ किसी फिल्म पार्टी फंक्शन में ही मिला करते थे। हम सिर्फ पार्टीज में मिलकर एक दूसरे को हाय हेलो करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम सभी ने सोलो हीरोनों वाली फिल्मों में ही काम किया था। ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब मैंने किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। बता दें कि जूही चावला की आखिरी फिल्म फ्राइडे नाइट प्लान है, जो सितंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इससे पहले वो फिल्म शर्मा जी नमकीन में दिखी थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।